वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक टेस्ट 14 फॉर बिहार अमीन। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बिहार अमीन का, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है, इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग क्षेत्र में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोगों के पास है, बताइए क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आर्य ऐतिहासिक युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लाया गया? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? बताइए 4th का करेक्ट ऑप्शन बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए क्या उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त अभिलेख से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बताइए इसका 5th का करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, क्या उसका सही उत्तर बताइए। 2 सेकंड आप लोग के पास, इसका बताइए क्या उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 6th का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी कलकत्ता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास से, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8th का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी मुकुंद राव पाटिल, बहुजन समाज का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 9th का करेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास से, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 9th का क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए क्या उसका सही उत्तर क्या और करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आत्मीय सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? बताइए कौन सा वस्त्र के लिए विख्यात है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए क्या उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है, बताइए 12th का करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, बताइए क्या उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 6 मंडल में मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, 13 का 2 सेकंड आप लोग के पास से, बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है, बताइए क्या अवशोषण करती है,
इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, 14 का क्या होगा, इसका इसका कोरेक्ट सुनर क्या होगा, ए पराबैंगनी सौर विकिरण का। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण पराबैंगनी सौर विकिरण को करती है। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए 15 का सही उत्तर क्या हुआ, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए 2 सेकंड आप लोग के पास, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, बी केरल में, शांत घाटी केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, 16 का कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन फिर से पढ़िए, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, बताइए 16 का सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए रबी फसल, और रबी फसल अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और इसे मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है बताइए, क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि प्रमुख फसल जो रबी फसल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, 17 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या उसका इसका कोरेक्ट सुनवर क्या होगा, बी महाराष्ट्र, इसका कोरेक्ट सुनवर क्या होगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 18 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, कौन सा ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 18 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, 19 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, 19 का 2 सेकंड आप लोग के पास से, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका कोरेक्ट सुनवर क्या होगा, डी सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये याद रखिएगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूनी किसकी सहायक नदी है, बताइए बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, लूनी किसकी सहायक नदी है, सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका, 2 सेकंड आप लोग के पास से, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका बताइए, क्या होगा इसका कोरेक्ट नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा तथा केन है और गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है और लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से प्रभावित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है, बताइए इसका कोरेक्ट नंबर क्या होगा, सही उत्तर बताइए क्या होगा, 21 का, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है, सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा सही उत्तर बताइए, क्या उसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए, बताइए 22 का सही उत्तर क्या होगा, 2 सेकंड आप लोगों के पास से, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा,
क्या उसका सही उत्तर? इसका कोरेक्ट सुनर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी प्रावधान, नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये तीनों प्रावधान क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही पारित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 सेकंड आप लोग के पास है। इसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर बताइए क्या होगा 23 का, बताइए 2 सेकंड आप लोग के पास है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका कोरेक्ट सुनर क्या होगा? डी, कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी, जो अनुच्छेद 343 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 24 का, 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए 24 का सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट नंबर क्या होगा? बी, संसद, संसद को नया राज बनाने और उसकी सीमा में बदलाव का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण एवं उसके नाम या सीमा में परिवर्तन के बारे में बताया गया, कौन सा अनुच्छेद? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? बताइए कितनी होगी इसकी, बताइए इसका कोरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा 25 का, 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए सही उत्तर क्या होगा, इसका क्या होगा कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या? बी, 2, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है? 26 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकंड आप लोगों के पास है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 13। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए भारत सरकार ने 13 पैरामीटर निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बताइए इसका क्या होगा कोरेक्ट ऑप्शन नंबर 27 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, 2 सेकंड आप लोगों के पास है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा कोरेक्ट नंबर डी, आसवन, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को टैस केन मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जा सकता है? बताइए 28 का सही उत्तर क्या होगा। और फिर से क्वेश्चन पढ़िए क्या है, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, 28 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर बताइए, क्या उसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, बी, जल एवं चीर का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? 29 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका कोरेक्ट नंबर क्या होगा, डी, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया है। एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, ताप्ती नदी पर सूरत अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिथियम सोडियम और पोटासियम जैसे तत्व डैश से संबंधित है? बताइए 30 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, या इसका बताइए इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, डी, क्षारीय धातु समूह। लिथियम सोडियम और पोटासियम जैसे तत्व क्षारीय समूह धातु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 31 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए 2 सेकंड आप लोगों के पास है, कौन सा अनुसूची में आता है बताइए, बताइए इसका
31 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए, दल बदल विरोधी, ये कौन सा दसवीं अनुसूची में आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए ऐसा कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइए। 32 का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? प्लेटिनम, पीटी। प्लेटिनम जो होता है ये धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग P तथा द्रव्यमान M वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। वेग वेलोसिटी पूछ रहा है, बताइए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? संवेग डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, मतलब संवेग जो होता है पी, पी का वैल्यू क्या होता है? पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, आपको पता है। संवेग इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास हमको क्या इसमें पूछा है क्वेश्चन, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? पी बाय एम। इसका पी बाय एम कहाँ है? कोरे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो हम लोग को वस्तु का वेग पूछा है तो क्या होगा? संवेग डिवाइडेड बाय द्रव्यमान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेवन मैक्सेस पुरस्कार डैश को दिया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एशियाई व्यक्तियों को रेवन मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है। एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, और 2019 में रेवन मैक्सेस पुरस्कार भारत के कौन सा पत्रकार को दिया है, बताइए आप लोग क्या होगा? रविश कुमार को 2019 का रेवन मैग्नेस पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? 35 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 35 का कोरेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है, बताइए क्या होगा इसका? इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ब्रोमीन गैस बनती है। इसका इक्वेशन इसका क्या होगा बताइए, इसका इक्वेशन बता रहे हैं, 2 AgBr जो होता है इसको क्या होगा, 2 Ag+Br2, ये Br2 क्या है? ब्रोमीन गैस। ये क्या है? सूर्य की किरण, तो सूर्य का किरण से निकलती है, और सूर्य का किरण हम लोग दे रहे हैं तब हम लोग का क्या निकलेगा, तो माना 2 Ag+Br2 हमारा प्रोडक्ट निकलता है, तो इसमें कौन सा गैस निकली? Br2, ब्रोमीन गैस निकलती है, ये याद रखिएगा आपकी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बताइए। 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या उसका सही उत्तर? कोरेक्ट सुनर क्या होगा? ए, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा MgH होता है, आप लोग याद रखिएगा, m मास, ग्रेविटी और हाइट, इसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस धार्मिक संस्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ किए? 37 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकंड आप लोगों के पास है, 37 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा? बी, वैष्णवो देवी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की जयंती पर निम्न में से किस देश में डाक टिकट आरंभ की गई है? 38 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, 2 सेकंड आप लोगों के पास है, 38 का कोरेक्ट ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, कौन सा देश आरंभ किया? कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 39 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 39 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, कोरेक्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा? बी, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान
लॉन्च किया है, बताइए 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोगों के पास है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रवदनी में कौन सा अलंकार है, बताइए हिंदी का क्वेश्चन है, 10 हिंदी क्वेश्चन लिया हूँ, बताइए कि 41 का सही उत्तर क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, चंद्रवदनी में कौन सा अलंकार है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, क्या उसका सही ऑप्शन, इसका कोरे क्वेश्चन क्या होगा, बी रूपक, चंद्रवदनी में रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है, बताइए 42 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है, क्या पूछा है, उपसर्ग, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 42 का कौन सा उपसर्ग है, इसका सही कौर है ऑप्शन नंबर सी नीर, नीर क्या है, निर्यात में उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, पढ़िए और इसको इसका आंसर बताइए क्या होगा, 2 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए उसके साथ उसका आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 43 का इसका कोरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आज मुझे बाजार जाना है, ये क्या है सही वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारू का विलोम शब्द, बताइए 44 का क्या होगा, चारू का विलोम शब्द है, 44 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, चारू का विलोम शब्द इसका क्या होगा, 2 सेकंड आपके पास से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या उसका कोरे क्वेश्चन क्या हुआ, ए और चारू, चारू का विलोम शब्द और चारू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 का, दाल में काला होने का अर्थ बताइए क्या होगा, मुहावरा है दाल में काला होना का अर्थ क्या होगा, बताइए 45 का सही उत्तर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मुहावरा है कि दाल में काला होना, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, 2 सेकंड आप लोगों के पास है, क्या उसका कोरेक्ट आंसर क्या होगा, ए संदेह की बात होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथ का विलोम है, बताइए 46 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, अथ का विलोम कौन सा होगा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से बताइए अथ का विलोम कौन सा है, 2 सेकंड आप लोगों के पास है इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, अथ का विलोम 46 का क्या होगा, अथ का विलोम क्या होगा, सी इति, अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभा कौन लिंग है, बताइए 47 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, सभा जो है कौन सा लिंग है, बताइए इसका कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 47 का कौन सा लिंग है, कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर ए स्त्रीलिंग, सभा एक स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रैलोक में समास है, बताइए कौन सा समास त्रैलोक में है, ये इस वर्ड त्रैलोक जो वर्ड है उसमें से कौन सा समास, बताइए त्रैलोक में 48 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, त्रैलोक में कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है, कौन सा कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर ए द्विगु, त्रैलोक में कौन सा द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए क्या होगा, 49 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या है मुहावरा, उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, 49 का क्या उसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए इसका कौन, चारों ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए 2 सेकंड आप लोगों के पास से बताइए क्या उसका 15 का कोरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।